जैन समाज का चातुर्मास शुरू हो गया है और जिस तरह से प्रवचन में हजारों की संख्या में श्रावक गण और श्राविकाएं गण जुटते थे और प्रवचन सुनते थे, लेकिन आज कोरोना काल में यह प्रवचन ऑनलाइन ही हो रहे हैं और साध्वियाँ भी अपने श्रावक और श्राविकाओं को क्या संदेश दे रही हैं। जिलों की नगरी उदयपुर आई साध्वी उपेंद्र यशाजी एवं उनके ठाणे से हमने की खास बात। क्या कहा उपेंद्र यशाजी ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जैन समाज का चातुर्मास शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं उपाश्रयों में सजावट भी भरपूर की गई है, लेकिन कोरोना के चलते अब हजारों की संख्या में प्रवचन सुनने के लिए श्रावक श्राविकाएं उपाश्रय स्थलों में न आकर ऑनलाइन ही प्रवचन सुनेंगे, घरों में ही रहकर आराधना करेंगे और जप तप और ध्यान करेंगे। क्या कहना है साध्वी उपेंद्र यशाजी और उनके ठाणे का। चातुर्मास की परंपरा एक भारतीय परंपरा है और इसके चलते ज्ञान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार होता है। संत तो विहार करता ही है, लेकिन ज्ञान भी विहार करता है और विशेष करके संतों में पुरुष संत जो होते हैं वो एक उनकी अलग महत्ता होती है और विशेष करके महिला जो संत होते हैं उनकी विशेष और भी ज़्यादा महत्ता बढ़ जाती है। अभी कोरोना काल चल रहा है और इसके चलते लोग ऑनलाइन प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन चातुर्मास की क्या महत्ता है और क्या इस बार व्यवस्था होने वाली है। हमारे साथ में साध्वी जी हैं, उपेंद्र यशा जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। आज के इस युग के अंदर जी हर साधु साध्वी जैन धर्म के मानने वाले जी वह चातुर्मास में एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं। क्यों स्थिर होते हैं? कि चारों तरफ हरियाली होती है, जीवों की हिंसा होती है, चातुर्मास में बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वह एक स्थान पर रुकते हैं कि कोई भी जीवों की हिंसा न होवे। जीवों को बचाना अपना परम धर्म है। महावीर स्वामी ने बताया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म है। कोई भी जीव अपने द्वारा मर न जावे, इसके लिए अपने को बहुत ही ध्यान रखना है। चातुर्मास के अंदर अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है। कोरोना काल में चारों तरफ ऐसा वातावरण हो गया है, चारों तरफ का माहौल जो है वह एकदम क्या हो गया है, अलग प्रकार का हो गया। हर व्यक्ति टेंशन से युक्त है, क्योंकि अब वह बाहर निकलना बंद, मास्क लगाना और इधर उधर जाना नहीं और घर के अंदर ही रहना, चारों तरफ लॉकडाउन हो जाता है तो हर व्यक्ति घर के अंदर रहता है। लेकिन इस चातुर्मास के अंदर भले ही घर के अंदर रहो, परंतु अपने को धर्म के अंदर विश्वास रखेंगे, धर्म के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो अपने आप धर्म में लग जाएंगे, तो महामारी का प्रकोप जो है वह महामारी का प्रकोप भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसा महामारी का प्रकोप, अपने ध्यान में ऐसी शक्ति है, पहले भी ऐसा महामारी का प्रकोप हुआ था, तब जैन धर्म के अंदर ऐसी यह व्यवस्था होती है, ऐसा ध्यान होता है, ऐसी साधना होती है, जिस साधना के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी संकट आता है, वह संकट क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो महामारी के कोरोना काल के अंदर अपने को प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है और चातुर्मास काल में हो सकता है कि भीड़ इकट्ठी ना करनी हो, क्योंकि सबको शरीर स्वस्थ है तो सब अच्छा है। इसलिए जहाँ पर अपन बैठे हैं वहीं पर ऑनलाइन से हर जगह क्या पहुँच रहा है, धर्म पहुँच रहा है। धर्म के माध्यम से प्रवचन अपने ऑनलाइन पर हो रहे हैं। आज देखो दुनिया में बच्चे भी वह ऑनलाइन से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? पढ़ाई करना जरूरी है, इसलिए वह पढ़ाई भी ऑनलाइन से कर रहे हैं। तो अपने को व्याख्यान सुनना है
और कोई भी प्रोग्राम, कार्यक्रम, तपस्या वगैरह, वह भी ऑनलाइन से क्या हो सकती है। इसलिए अपने को घर में रहकर, उपाश्रय में रहकर, और आप अपने घर पर बैठकर भी समय निकाल करके अगर आप प्रवचन सुनोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और अगर आप प्रवचन नहीं सुनोगे तो घर में बैठे बैठे भी क्या हो जाएगा, यह खाते रहेंगे कि पहले जो पहले लहर आई थी उसमें लोग कहते थे कि अरे घर में रहे और शक्कर और मैदा क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। लेकिन यह अपने को नहीं, अपने को सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना और पुस्तक लेकर के बैठ जाना और पढ़ना, इसी में अपना समय बिताओगे तो अपनी यह महामारी का प्रकोप यह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए अपने को प्रभु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, यह महामारी का प्रकोप एकदम शांत हो जावे, सभी जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी बने, सभी जीव निरोगी बने, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो यह कोरोना काल अपने ऊपर आएगा नहीं और क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। विशेष करके महिलाएं जो हैं आती हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? वैसे तो प्रवचन में जो भी लेडीज आती है उसका एक नियम होना चाहिए कि साधु संतों के सामने या भगवान के सामने कहीं भी जाओ तो सिर पे ओढ़कर जाना चाहिए, इतनी तो मर्यादा उनको रखनी ही चाहिए। अब जो यह महामारी का जो चल रहा है उसमें भी हमारा प्रवचन या चलेगा, लेकिन क्या होगा, सबको दूर दूर बिठाना है और मास्क के बिना यहाँ पे एंट्री नहीं है। आप बताएं कि घर में रह के और किस तरह से पाठ पूजा और अर्चन वगैरह, ध्यान वगैरह, ये सब सारा कर सकते हैं? इस कोरोना ने तो ऐसा कर दिया है कि लोगों को उपाश्रय में आना भी बंद करा दिया है, लेकिन ये सोचो तो घर में भी बैठ के धर्म आराधना कर सकते हैं। कैसे कि अगर आज ऑनलाइन से अपन देखते हैं तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन का एक घंटा समय निकालना पड़ता है। अगर एक घंटा भी समय निकालेंगे तो अपना जीवन आगे बढ़ जाएगा और अपना जीवन पवित्र बन जाएगा। जी बताएं क्या कहना है? ये कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल के अंदर जो बालिकाएं, बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए आते हैं, पर वह अब कोरोना चल रहा है इसीलिए ऑनलाइन के द्वारा भक्ति, भावना, स्वाध्याय, ये सब ऑनलाइन से करना है उनको। शिविर भी करते हैं, करते थे पहले, पर अब ऑनलाइन से शिविर होगी, पूजा होगी, बच्चों को पूजा करनी है और वो पूजा करेंगे तो उन्हें इनाम भी दिया जाता है। इस कोरोना दरमियान के अंदर वह नहीं कर सकते हैं, पर घर बैठे बैठे भी धर्म आराधना कर सकते हैं, ऑनलाइन के द्वारा वह सब सीख सकते हैं, विद्या प्राप्त कर सकते हैं।